नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गौ माता को हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में तो गौ माता को नौ ग्रहों की समस्याओं से निवारण मुक्ति हेतु एक कारण माना गया है, कारक माना गया है। गौ माता से संबंधित यदि व्यक्ति उपाय करता है तो शीघ्र ही बड़ी से बड़ी समस्याओं से वह मुक्त हो जाता है, विशेष तौर पर नौ ग्रह संबंधित समस्याओं से। गौ माता के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। आज हम आप लोगों को एक ऐसी जानकारी गौ माता के बारे में बताएंगे जिस जानकारी से आज तक आप लोग अनभिज्ञ थे, और यदि इस जानकारी पे आप अमल करते हैं, इसे आजमाते हैं वक्त आने पर, तो एक बात की गारंटी है कि यदि व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा है, व्यक्ति परेशानियों में घिरा है, तो क्षण भर में शीघ्र ही व्यक्ति को उससे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। यदि व्यक्ति सामान्य है, अच्छा वक्त चल रहा है, तो भी इस उपाय के माध्यम से वह अपने अच्छे वक्त में चार चांद लगा सकता है। सामान्य वक्त को अच्छे वक्त में व्यक्ति तब्दील कर सकता है। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वास्तु प्रदीप अपराजित पृच्छा व अत्रि संहिता में इस बात का वर्णन है कि यदि सामने से गाय आती हुई दिखाई दे तो गाय को हमेशा गौ माता को अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। यदि व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा है, व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है और सामने से गौ माता आ रही है, उसे तो दाहिने से जाने ही देना चाहिए, किंतु जब गौ माता उससे पीछे को निकल वह उसके दाहिने गौ माता हो जाए और कुछ कदम उसने गौ माता के साथ चलते रहना चाहिए जहां तक वह चल सकता है। यह एक ऐसी बात बताई गई है। इसके बाद लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो गौ माता उस पे अपना साक्षात चमत्कार दिखाती है, उसकी समस्याओं से उसे मुक्ति दिलाती है। वह व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन, एक नई चीजें देखने में आती है जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की हुई हो। तो हम तो ये कहेंगे कि यह चीज काफी महत्वपूर्ण है। जब भी गाय आए उसे दाहिने आप जाने दीजिए, और वैसे भी यदि आपका कोई काम नहीं है तो कुछ कदम अवश्य ही गौ माता के साथ चलिए। कलयुग में मनुष्य को जीवन एक बार मिला है, वक्त जो निकल जाता है वापिस नहीं आता है। कौन जाने किस पल हमारा भाग्य किस करवट बदल जाए, तो जब समय हो तो कुछ न कुछ गौ माता के साथ कुछ समय चलना चाहिए, और जिसका बुरा वक्त है उसने तो अवश्य ही चलना चाहिए। ये एक ऐसी चीज बताई गई है, एक ऐसा उपाय बताया गया है कि बड़े से बड़े उपाय भी फेल हो जाए यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना तक पूर्ण हो जाती है। आप जैसा चाहे उस घड़ी के बाद आपके साथ कुछ न कुछ शुभ होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बात की हमारे शास्त्र में बताई गई है। और भी कई अच्छी अच्छी चीजें गौ माता के विषय में है। शीघ्र ही कुछ और जानकारियां भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करेंगे। यदि यह एपिसोड आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अच्छी जानकारी यदि आपको लगती है तो, जो नए लोग हैं पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित हमारी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। हमारे कार्यालय में ग्रह विश्लेषण आदि का न्यूनतम शुल्क पे देखा जाता है, कार्य किया जाता है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। किंतु बेल आइकन दबाएंगे तो बहुत ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलेगी जो घर बैठे बैठे आप उसका आनंद ले सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।